हमारे पुलिस में डीजी साहब थे, उनको ये बात बताई फोन पे, रोती रही कि नहीं रो मत, मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में टाइम लेता हूँ, तुम वहाँ जाओ। वहाँ चेक करवाया तो वो बोले कि हाँ आपका हार्ट की साइज थोड़ी बड़ी है, पंप ज्यादा करता, आप रनिंग करते हो तो बहुत अच्छा है। तो डॉक्टर कंफ्यूज हो गए होंगे, ऐसे तो आपको कोई बीमारी नहीं है, पर आपको रेस्ट तो करना पड़ेगा, गेम में एक बार एक महीने स्किप कर दो। मैंने सिर्फ 5 दिन रेस्ट किया कि नहीं डॉक्टर भी शायद गलत बोल रहे हैं, मेरे तो कुछ नहीं है, 5 दिन रेस्ट करूंगी ठीक हो जाऊंगी, और मैं ठीक हो गई। क्योंकि दवाइयां भी तब असर करती हैं जब आप अंदर से स्ट्रांग होते हो। इसलिए मैं सबसे कहना चाहूंगी कि अपनी फैमिली को स्पोर्ट्स से जरूर जोड़े। मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ स्टडी की वजह से नहीं, स्पोर्ट्स की वजह से खड़ी हूँ। तो आप सब लोग स्टडी भी करो, स्टडी तो सभी चीजों में जरूरी है, बहुत जरूरी है। प्लस मेरा एक बेटा अभी सेकंड बेटा हुआ है, तो मैं बड़े वाले बेटे को भी कभी फोर्स नहीं करती कि आपको 90% लाने, 95 लाने हैं। मैं मानती हूँ 70-75 एवरेज हो, लेकिन ऑल ओवर ग्रोथ हो। वो जीके का क्वेश्चन कोई स्कूल में पूछता तो वो ही हाथ खड़ा करता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराते तो मेरा बेटा फर्स्ट आता है। हाँ स्टडी में वो फर्स्ट नहीं आता, 70-75। तो मैं कभी उसको डांटती भी नहीं हूँ, और मैं कभी स्कूल में उसको मैडम को फोर्स नहीं करती कि मेरे बेटे को आप आगे बैठाओ। हाँ उसकी इच्छा है, वो खुद समझदार है, तो पीछे बैग बड़ा हो, आंखों पे चश्मा हो, ऐसा बच्चा भी मुझे तो पसंद नहीं, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में हूँ। तो आप सब लोग स्पोर्ट्स से जुड़े, और मैं मन से भी निवेदन करूंगी, डॉक्टर अनिल व्यास जी सर तो वैसे ही ओलंपिक कमेटी के चेयरमैन हैं, तो वो खुद तो बहुत सालों से मेरे से भी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। बाकी सबसे निवेदन करूंगी कि स्पोर्ट्स से जुड़े, और नेक्स्ट टाइम में यहाँ से कोई पार्टिसिपेट करे नेशनल मेडल आए तो मुझे बहुत खुशी होगी। जय हिंद जय भारत। राम राम। कैसे हैं आप? अरे वाह, ये है युवा शक्ति, ठीक है। कैसी है जवानी, खून खौलता नहीं, देखते हैं सब कोई बोलता नहीं। जब सपना जैसी हम हर बच्ची को मजबूत बनाएंगे तो मेडल इस तरह से आएंगे, मेरी 2 लाइनों में पता चल जाएगा आपको कि बेटे के शौक में जाने कितने मेडल मार दिए हमने कॉक में, और संभाल लेते अगर कॉक हम तो मेडल आ जाते ना थोक में। तो मेरी बेटियों से मैं कहता हूं कि उठ खड़ी हो, दिखा हौसला, कर कभी तो कड़ा फैसला, काहे तेरी आंख में पानी, काहे मंद है तेरी वाणी, बन जा तू झांसी की रानी। इसका मतलब तो जब इस लाइनों को फिनिश करूंगा तो बहुत शोर मचेगा, अभी सुनाता हूं कि उठ खड़ी हो, दिखा हौसला, कर कभी तो कड़ा फैसला, काहे तेरी आंख में पानी, काहे मंद है तेरी वाणी, बन जा तू झांसी की रानी, और याद दिला दे उनको नानी। किनको नानी? जिनकी वजह से आंख में पानी। अरे वाह, सीधी हट बता बेटे, तेरी शादी नहीं हुई होगी अभी, बाद में तो भौंकू भी नहीं बजेगा। नर्सिंग के लोग जो सीटी बजाते हैं उनको इतना ही संदेश देना चाहता हूं कि जो सीटी बजाते हैं पहले जाके अपना सीटी स्कैन कराए, वरना तो आपके नाम से राजस्थान में सीटियां बनी हुई है, जैसे गंगापुर सीटी, कुचामन सीटी। गंगापुर का मतलब है, कुचामन का मतलब है इसकी मन की भावना कुचली गई है, और गंगापुर सिटी का मतलब है किसी के हत्थे चढ़ गया था तो इसको गंगा जी पूरा घाल गए। ताड़िया कमजोर है, नरसिंह जैसी नहीं है यार, ताड़ी तुम ऐसे बजाओ जैसे किसी को BLS दे रहे हो, ठीक है। अरे यार तुम तो फौलाद हो,
बस्ती तूफान से निकल सकती है, गिरिस्तान फिर से संभल सकती है, मत छोड़ आस का दामन, किस्मत है किसी रोज भी बदल सकती है। सपने ने बताया कि देखो आज जब पहचानते हैं तो लोग साथ आ जाते हैं, तो जैसे तुम तो नौजवान हो, अभी से ही ऐसी मेहनत शुरू कर दो जैसे इस बच्ची ने की। मेरी कैसी मेहनत होगी तुम्हारे साथ वो मैं बोलना चाहता हूं कि हम चले तो आंधियां क्या तूफान संग में चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे, ये ना सोचे ये निशाएं पथ हमारा रोक लेंगी, हम चले तो हम जले तो सूरज हजारों जल पड़ेंगे। यार कमाल के दर्शक हैं, मुझे पहली बार मिला, जोरदार बजा रहे हैं। और ये तुम बहुत स्मार्ट लड़के हैं, भारत माता की जय बोल रहे हैं तुम, तेरी भारत माता काफी पीछे चल रही है बेटे। वैसे तुम सारे मुझे ऐसा लगता हो डैम फिट हो यार, ऐसा लगता जिम जा रहे हो। अरे भाई मैं भी जिम जाता था, ये बात अलग है, बाद में जिमने जाने लग गया। पहले मेरे भी सपने बेटा मेरे भी मसल्स होया करते, फिर धीरे धीरे कटल्स हो गए। पहले मेरे डोले थे अब गोले, पहले मेरी कमर थी अब कमरा हो गई। और ये गुड़िया तुम कितनी अच्छा चश्मा लगाया है, ऐसे कई बच्चों ने लगाया है, तुम्हारी अंटी ने भी लगाया था। फिर भाई उसने क्या करा, चश्मा उतार के सिर पे रखने लगी, तो मैं समझ गया इसका आंख ही नहीं खोपड़ा खराब है। हनुमान जी कैसा देवता है, वो पावर का देवता है, वो खड़ा भी होता है तो उसकी देखो पोजीशन यूं, और यूं मतलब ऐसा लग रहा है पोचिंग कर रहा हूं। कमाल के लोग हो यार तुम तो, तुम्हारे लिए तो दो लाइन ही गुनगुनाने को जी कर रहा है। कि लहराएगा तिरंगा ही अब आसमान पर, भारत का नाम होगा हर जमान पर, ले लेंगे जान उसकी अकेलेंगे जान पर, कोई आंख तो उठाए हिंदुस्तान पर। जो बच्ची मेहनत कर रही है ऐसी तुम करोगे, ये भी एक शहादत है कि मादुरे वतन के लिए, इनका भी सबका यही कोशिश है ना कि वतन की वैल्यू बढ़े, कि मादुरे वतन के लिए जो हो गया सही, हिंदुस्तान को नाज है उस नौजवान पर।